हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम अरबाज़। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पसंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट अंडर 3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। उसके बाद आगे का जो स्टेटमेंट है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना है कि जो ए प्लस बी है ना, वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। a प्लस बी जो होगा वो 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होगा या फिर 90 से छोटा होगा। बस ये आपको बस थोड़ा सा समझना था, ऐसे इसका यूज नहीं है। उसके बाद यहां पे कह रहा है कि जो a है ना, a b से बड़ा है, तो हम लोग को a का मान और b का मान याद करना है, बहुत इजी वे में निकल जाएगा। देखिए सर, हम लोग को जो काम है ना क्वेश्चन में, इसका काम है, इसका काम है, इन दोनों के हेल्प से इजी वे में सॉल्व होगा। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। हल सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि टेन ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है सर रूट अंडर 3। क्या दिया हुआ है, टेन ए प्लस बी बराबर रूट अंडर 3। हम लोग यहां पे देखेंगे अपने आपको मैंने एक टेबल बताया था इंट्रोडक्शन 8.2 में, उसमें आप जाकर देखो रूट 3 किसका मान होता है। तो रूट 3 वहां पे हमने आपको बताया था कि ये जो रूट 3 होता है सर, वो टेन 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, टेन 60 डिग्री का। तो हम लोग करेंगे क्या, टेन ए प्लस बी को डिट्टू उतार देंगे, कोई अंतर नहीं होगा सर, लेकिन इस रूट 3 के स्थान पे क्या बैठा देंगे, इस रूट 3 के स्थान पे बैठा देंगे टेन 60 डिग्री। जरा आप देख सकते हैं सर, 10 और 10 बराबर में कट गया, तो हमारे पास क्या बचकर आया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग जो नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको यहां पे लिख देंगे। क्या दिया हुआ था जरा बताओगे, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। सर ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे फिर से उसी तरीके से इस 1/√3 का मान कितना होता है सर, आप लोग बता सकते हैं सर देखकर भी। तो 1/√3 जो होता है सर, वो टेन किसका होता है जरा बताइएगा, टेन 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है सर, टेन 30 डिग्री का मान होता है। इसको डिट्टो उतार देंगे सर, तो हो जाएगा टेन ए माइनस बी, उसके बाद 1/√3 का मान कितना हो जाएगा, तो टेन 30 डिग्री होगा सर। अब देख सकते हैं टेन और टेन बराबर में है तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हमारा आया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे सर, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, बस समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और फाइनली हमारा आंसर आएगा। तो यहां पे लिखेंगे सर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आइए दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। तो यहां पे सबसे पहले समीकरण 1 में है सर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 में है सर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जरा ध्यान दीजिएगा सर, a और a को जोड़ेंगे तो कितनी बार a, 2 बार, तो 2a। उसके बाद देखिए एक b प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस कट के तो सर 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे 2 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो a बराबर हो जाएगा सर 90/2, कट करके आएगा तो a का मान हमारा आ गया कितना सर, 45 डिग्री। अब सर a का मान निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया है। अब हम लोग को निकालना है किसका, b का मान। तो इस a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो सर, किसी में भी रख दोगे तो आपका b का मान आ जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है सर, जरा देखेंगे यहाँ पे, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान जो आया है यहाँ पे आप बैठा दे, इस a का मान को यहाँ बैठा दे, तो हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो b बराबर हो जाएगा सर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं b का मान हमारा कितना आ जाएगा सर, 60 में 45 जाएगा तो 15 डिग्री। तो इस प्रकार यहां लिखेंगे लास्टली फाइनल जो आंसर लिखेंगे, अतः a का मान कितना आया सर, तो
तो ए का मान आया हमारा 45 डिग्री और बी का मान आया 15 डिग्री। देख सकते हैं सर कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हल्का सा ध्यान कहाँ देना होगा, बस इस रूट थ्री का जो मान है वो बैठाना होगा, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे भी 10 में ही जाके ढूंढना है कि 10 में रूट अंडर थ्री का मान कितना होता है। बाकी बात ये से ये करिए, समीकरण बनाया फिर इसको हमने यहाँ पे उतार दिया, अब यहाँ पे 1/√3 का मान होता है कितना का 10, 30 डिग्री का, मैंने यहाँ लिख दिया 10 से 10 कट गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, b से b यहाँ पे कट गया, a और a 2a, अब ये दो गुना में इधर भागा में कट करके यहाँ 45 आ गया सर। उसके बाद a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने इस a का मान समीकरण 1 में रखा है, रखने के बाद हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया सर b। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको ईजी वे में समझ में आया होगा, और कहीं डॉट लग रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।